बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की आज दूसरी बड़ी रैली है। 10 साल में दूसरी बार पीएम मोदी बालाघाट पहुंचेंगे। बालाघाट में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इससे पहले साल 2014 में पीएम मोदी बालाघाट आए थे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। और इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाना शुरू किया। इस चक्कर में हंगामा हो गया। टीएमसी नेता हटने के लिए तैयार नहीं थे, वो अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाना शुरू किया। सर आइए प्लीज, सर मानना पड़ेगा सर। इस खींचतान में डेरेक ओब्रायन तो झल्ला गए। डोंट डू दिस यार, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठी डोला सेन भी भड़क गई। उनकी और पुलिस वालों की बहस हो गई। डोला सेन ने पैरों में चोट का हवाला दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा दिया। रुक जाइए, हमारा पैर में साथ चलिए। बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले के मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया और आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में एनआईए का इस्तेमाल किया गया। यही मुद्दा उठाते हुए टीएमसी के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। जबकि बीजेपी ने एनआईए की टीम पर हमले के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई, क्योंकि पिछले हफ्ते बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में रात में एनआईए की टीम पर हमला हो गया था। एक अधिकारी को चोट भी लगी थी। और पूर्व मेदिनीपुर के भुक्तिनगर इलाके में लोगों ने एनआईए की टीम का रास्ता रोक लिया था। महिलाएं तो सड़क पर बैठ गईं। कुछ के हाथों में डंडे भी थे। उन्होंने पुलिस वालों से झगड़ा किया। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे दिखे। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भुक्तिनगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। उसने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और जब एनआईए के अधिकारी उन्हें लेकर निकले थे तो बवाल हो गया। यही नहीं, बात तब और बढ़ गई थी जब भुक्तिनगर में एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया गया था। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन एनआईए ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन टीएमसी के तेवर तीखे नजर आए। वो भुक्तिनगर के लोगों के साथ खड़ी दिखी। इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने भी खुलकर भुक्तिनगर के लोगों का समर्थन कर दिया था। चुनावी रैलियों में व्यस्त ममता बनर्जी ने जाते जाते ये तक कह दिया था कि बीजेपी ने एनआईए की टीम का इस्तेमाल किया। बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले से पहले ईडी की टीम पर भी हमला हो चुका है। इसी साल 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। आरोप लगा था कि भीड़ टीएमसी से निलंबित हुए शाहजहां शेख के भड़काने पर आई थी और उसने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी और संदेश खाली की घटना के कुछ ही महीनों बाद एनआईए की टीम पर हमला हो गया और बीजेपी और टीएमसी फिर भिड़ गए। टीएमसी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो ममता को खुली चेतावनी दे दी। पुलवामा होते पारे, बालाकोट होते पारे, एखानेও সেরকম তার চেয়ে বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के भुक्तिनगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में ब्लास्ट हुआ था और 3 लोगों की जान गई थी। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी के नेताओं को समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था और इसी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की टीम भुक्तिनगर पहुंची थी। इधर उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे तो सियासी घमासान छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर हमले शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपराधियों के साथ अखिलेश यादव की रिश्तेदारी होने की बात कर दी। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने और खुद अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर बरस पड़े। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद 28 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक रोज पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उसके पैतृक घर पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की जेल में मौत पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने मुख्तार की माफिया डॉन वाली छवि पर सवाल पूछने पर सफाई भी दी थी। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। मुख्तार की मौत से पहले ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अंसारी परिवार के अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अफजाल का नाम अखिलेश यादव ने अपनी पहली ही लिस्ट में जारी कर दिया था। अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी की टिकट पर जीते थे, लेकिन अफजाल अंसारी के मायावती की पार्टी बीएसपी से बिना अलग हुए ही अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया। मतलब अफजाल ने न तो बीएसपी से अलग होने का ऐलान किया था, ना ही उन्होंने बीएसपी से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। लेकिन कहा जाता है कि पूर्वांचल में अंसारी परिवार के दबदबे को भुनाने के लिए अखिलेश यादव ने और बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 के चुनावी दंगल में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली हो रही है। यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, पीलीभीत आज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर एक रैली करेंगे। देखिए, वरुण गांधी की सीट रही और वहां से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। वरुण गांधी का टिकट काटने के साथ ही जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दिया गया है और आज उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से पीएम मोदी की तरफ से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके पीछे पीलीभीत लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बता रहे। देखिए, 96 में जो है मेनका गांधी इस सीट से जीती थी। 98 की बात करें, एक बार फिर से मेनका गांधी जो है इस सीट से जीती। 1999 में एक बार फिर से मेनका गांधी ये सीट जीती। हालांकि उसके बाद 2004 की बात करें, 2004 में भी ये सीट जो है वो मेनका गांधी के खाते में रही, लेकिन 2009 की बात करें तो ये सीट वरुण गांधी के पास चली गई। और 2014 में एक बार फिर से मेनका गांधी इस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2019 में भी वरुण गांधी सीट पर रहे। यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के बीच ही जो है ये सीट आती जाती रही। अंसारी पर दाव लगा दिया था, क्योंकि माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर के अलावा कई लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। खासतौर से मऊ की घोसी लोकसभा सीट, आजमगढ़ सीट, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और बलिया लोकसभा सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। इन इलाकों के मुस्लिम वोट बैंक पर अंसारी परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहते हैं कि इन सीटों पर दलित और पिछड़े मतदाताओं के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करता है। यानी कि पूर्वांचल के इस हिस्से में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय का वोटर जिसकी तरफ हुआ उस प्रत्याशी की जीत पक्की है। और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी, पूर्वांचल के इसी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अंसारी परिवार के जरिए दोनों की कोशिश इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। अखिलेश यादव से पहले 1 अप्रैल को असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने देर रात पहुंच गए थे, क्योंकि माना जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक